मौनी अमावस्या को लेकर मिथिलांचल के कांवड़ियों का जत्था अजगैबीनाथ के सुल्तानगंज पहुंचा। 5 लाख कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। घाट पर नगर परिषद ने बेहतर व्यवस्था की है। बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा सहित उत्तर बिहार के कांवड़िया मौनी अमावस्या पर जल भरकर बाबा धाम के लिए रवाना होंगे। बुधवार को घाट पर पहुंचे कांवड़िया भजन कीर्तन कर पूजा अर्चना में जुट गए। नगर परिषद की ओर से घाट पर पेयजल, शौचालय, रोशनी की व्यवस्था की गई है। गंगा घाट पर कांवड़ियों के सुरक्षित स्नान के लिए बांस की बैरिकेडिंग का इंतजाम किए गए हैं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गोताखोरों की टीम और SDRF तैनात की गई है। घाट पर महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मौनी अमावस्या को लेकर घाट पर विशेष रूप से साफ सफाई का इंतजाम किया गया है। अतिरिक्त सफाई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जहाज और सीढ़ी घाट पर की गई है। गंगा घाट पर अस्थायी शौचालय और चलन शौचालय का इंतजाम किया गया है। PHED ने पेयजल की मुकम्मल व्यवस्था की है। चापाकल को दुरुस्त कर लिया गया है। सप्लाई पानी भी कांवड़ियों को उपलब्ध कराई जाएगी। थानाध्यक्ष प्रिय रंजन ने बताया कि गंगा घाट पर 100 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जिसमें महिला सिपाही भी शामिल हैं। मौनी अमावस्या को लेकर शहर में बड़े वाहनों पर गुरुवार से नो एंट्री है। मुंगेर से आने वाले वाहनों को कृष्णगढ़ मोड़ पर भूदान में पार्किंग कराया जाएगा, जबकि भागलपुर की ओर से आने वाले वाहनों को प्रखंड कार्यालय परिसर में पार्किंग कराया जाएगा। देवघर तारापुर की ओर से आने वाले वाहनों को AK गोपालन कॉलेज परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि कृष्णगढ़ चौक से अपर रोड में जाम की स्थिति से निपटने के लिए सभी वाहनों को स्टेशन रोड से बाईपास होते हुए जाने की इजाजत रहेगी। बता दें कि बिहार के मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर सहित उत्तर बिहार के कई जिलों से कांवड़िया का जत्था पैदल होकर सुल्तानगंज गंगा घाट पहुँचते हैं। मधुबनी दरभंगा के कांवड़ियों ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन जल उठाकर हम लोगों की बाबा धाम जाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। घर से ही कीर्तन करते हुए पैदल यात्रा कर सुल्तानगंज पहुँचते हैं। यहाँ 2 दिनों तक गंगा घाट पर भजन कीर्तन करने के बाद मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल भर कर बाबा धाम के लिए रवाना होते हैं। कांवड़ियों ने बताया कि घाट पर ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसे थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन बाबा भोलेनाथ की भक्ति में यह सब कुछ सही है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।